तो फर्स्ट जो क्लासिफाई किया जाएगा पूरे क्लास मैमल को या मैमेलिया की बात, मैमल्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव एंड डार्विन। जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं या ग्रुप सब क्लासेस बनाएंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव होंगे तो ध्यान रखना रेप्टाइल ओरिजिन है, रेप्टाइल ओरिजिन है एंड रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कैल्केरियस है शेल पैड्स, ठीक है। पैड्स वाले जो प्रिमिटिव इसमें रहेंगे वो एग को रिलीज करेंगे, ओविपेरी होंगे। तो प्रोटोथीरिया एंड थीरिया, थीरिया में ही आपका फिर से फर्दर क्लासिफाई होगा, इसलिए हम प्रोटो के साथ यहाँ पे यू वर्ड यूज नहीं कर रहे, टी यू वर्ड, ओके बच्चा। तो प्रोटो थीरिया एंड यू थीरिया, ओके। देन थीरिया में अगेन आ जाएगा इंफ्रा क्लास, मेटा थीरिया एंड यू थीरिया। मार्सुपियल्स होते हैं इसमें पाउस्ट मैमल जैसे कंगारू, ओके। तो आगे और देखेंगे ऑर्डर। एंड यू थीरिया ट्रू प्लेसेंटल, आपको क्या याद रखना है, देखो प्रोटो थीरिया थीरिया तो याद है, और ऐसा मत सोचना कि यहाँ नहीं है, ये इवोल्यूशन चैप्टर में है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ना है, एटलीस्ट लिंकिंग पढ़ लो, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ले रहे हैं बच्चे, है ना। ट्रू प्लेसेंटल यहाँ तक अपने को जाना होता है, हम लोग यही पर। ट्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मदर वॉर्म में बेबी को अम्बिकल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा फॉर द सप्लाई। तो प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स नाम में ही लिखा हुआ है, जैसे थीरिया का मतलब हमने क्या बताया, मैमल्स, थीरिया का मतलब मैमल्स हो गया, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मैमल्स प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाई इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके पीछे, जो आपको इवोल्यूशन में पढ़ना है। उस ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, मतलब टुकड़ा हुआ, ऐसे समझो आप एक बड़ा सा पेपर है और ठीक है जिस पर टेरेस्ट्रियल पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें किनारे से एक टुकड़ा फट गया, ठीक है, लेकिन लिविंग है वहां, लाइफ है, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट कोलैबोरेटिव नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स का इम्पैक्ट उस पर नहीं है, वो एक सेपरेटेड कॉन्टिनेंट है ना। तो प्रिमिटिव मैमल्स या हम इसको आज भी ये बाकी जगह ये क्या हो गए, इवॉल्व हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये स्टिल प्रेजेंट, समझ में आ रहा है। बाकी जगह मैमल्स के नए स्पीसीज आ गए, तो एक ब्रॉडली क्लासिफाई में आप इवोल्यूशन में देखते हो कंपैरेटिव चार्ट है, मार्सुपियस और टेरेस्ट्रियल। ओविपेरस होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओविपेरी को शो करेंगे, ओके। मैमरी ग्लैंड नॉट हैव निपल बट एक्टिव टू फीड ऑन, नो ईयर पिन्ना हैव क्लोएका, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है। मैमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, तो वो यूनिवर्सल चला गया, मैमल्स में सब में प्रेजेंट होगा, उसको भी आप इग्नोर कर दो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, क्लोएकल चैम्बर मैंने बताया एब्सेंट होगा मैमल्स, ठीक है, इवॉल्व होगा एब्सेंट हो जाएगा। तो प्रोटोथीरिया में क्लोएका दिखेगा आपको एंड ओविपेरी को शो करेंगे, दीज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल टू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ओरिजिन को ये प्रूव करता है। बॉडी टेम्परेचर देखो, वार्म ब्लडेड है, टेम्परेचर रहेगा, रेंज रहेगा, हर स्पीसीज का अपना रेंज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यूट्रस एंड वेजाइना एब्सेंट, एब्डोमिनल टेस्टिस, डेवलपमेंट में टेस्टिस कहाँ गए, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, जो हमने मेंशन किया था उस दिन, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में क्यों है, क्योंकि बॉडी के जो एब्डोमिनल टेम्परेचर है उससे -2 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो दिस इज एडॉप्टेशन एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में स्पर्म का प्रोडक्शन या हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, या वो सीजनल डिपेंडेंट था, तो एक ऐसा रेंज मिलेगा जिसमें एब्डोमिनल टेस्टिस है, एक ऐसा मिलेगा जिसमें हाफ एब्डोमिन हाफ आउटर बॉडी में है, एंड देन फाइनली जो प्लेसेंटल वाले हैं उनमें कैसा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड दैट इज मोर मोर सुटेड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। अगेन वही एंजाइम है, एंजाइम जो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो टेम्परेचर जो एब्डोमिनल कैविटी का है वो सुटेबल नहीं है, फॉर्म होंगे लेकिन उतने हेल्दी वेल डेवलप नहीं फॉर्म होंगे, इसलिए उसको लोकेशन दे दिया गया आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप के उनमें कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस है।
जैसा हम लोग सारे एनिमल्स में देखते आ रहे थे, क्रोइकल चैम्बर में ओपनिंग हो रही थी, टेस्टिस मेल में प्रेजेंट था, ओवरी फीमेल में प्रेजेंट था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये कैरेक्टर कनेक्टिंग लिंक बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तीनों बना रहा है, आगे जाके अभी ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे बन जाएंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटो वाले ही हो गए कनेक्टिंग लिंक। देन इसमें सिर्फ एक ऑर्डर है, मोनोट्रिमेटा, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, दैट्स व्हाई मार्क कर लेना, प्लैटिपस इसको बिलोंग करता है, डक फिन प्लैटिपस, और ये आप ध्यान और रखोगे स्पाइनी एंड ईटर, ये इमेजेस शायद मैंने नहीं लगाई है, अपन कभी फिर चर्चा करें, स्पाइनी एंड ईटर, ओके, पिग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एंड को इंगल्फ करता है। अब ये इन दोनों से क्वेश्चन एक और आता है, नेम द मैमल्स मैमल्स विच हैव क्लोइका, क्लोइका क्लियर है, विच प्रोड्यूस एग, ओविपेरी को शो कर रहे हैं, तो भी आंसर में जाए, तो दोनों का एग्जांपल आप ध्यान रखना, डकबिल प्लैटिपस एंड स्पाइनी एंड ईटर, एकिडना ऑर्निथोरैंकस, इनके जनरल नेम ही आते हैं वैसे तो, ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट, प्लैटिपस इज द ओनली पॉइजनस स्नेक, ये एक आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लैटिपस डकबिल बोलते हैं, इसका फ्रंटल पोजिशन जैसा माउथ है ना वो डक के बीक जैसा होता है, दैट्स व्हाई इसको डकबिल प्लैटिपस बोलते हैं, और ये आप ऐसे नहीं बोलोगे, इसको क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी बन जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स के बीच का, क्योंकि डक वर्ड यूज हो रहा है ना, लिंकिंग है, ऐसे नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन रेप्टाइल और मैमल्स में हुआ है, बर्ड्स में नहीं हुआ ना, तो लिंकिंग बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये ध्यान रखना, ये दो चीजों की गलती होती है प्लैटिपस के एग्जाम्पल। नाउ कम टू थीरिया, थीरिया मतलब मैमल्स, जो वेल डेवलप्ड मैमल्स है, एक आ जाएगा इसमें मेटाथीरिया, नॉन प्लेसेंटल वाला, एक होगा यूथीरिया, इंफ्रा क्लास है, पहले क्लास देन सुपर क्लास देन इंफ्रा क्लास, है ना। नाउ मेटाथीरिया पाउस्ड मैमल, प्रिमिटिव टाइप के हैं पाउस्ड मैमल, जो हम आपको बताए मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया, ओके, शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड, डिजीज में इंक्यूबेट करने का मतलब होता है आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस या वहां अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है या बैक्टीरिया या कोई वर्म डिजीज हो रही है तो अपने को वहां ग्रो करा रहा है, डेवलप हो रहा है, फिर उसके सिम्टम्स आएंगे, तो दिस इज द टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स। हम लोग कैसे पहचानते हैं सिम्टम्स, वो हो जाता है इंक्यूबेशन। अब आप रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्पर्म आया बाहर से इन्फेक्शन, ओके, एनी वो इन्फेक्शन जस्ट क्रिएट कर लिया और देन फ्यूज किया फीमेल गैमेट के साथ एंड वो इंक्यूबेट हो रहा है, रिजल्ट है और वो सिम्टोमेटिक डिलीवर होगा, एग बने या बेबी बने, ओके, तो किसी भी केस में जो इन्फेक्शन होता है वो गेस्टेशन पीरियड से रिलेट होता है, और मेनली ये टर्म हम लोग यूज करते हैं मैमल्स के लिए, जहाँ पे बेबी बॉर्न होगा तो गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होगा कंपैरेटिवली टू यूथेरी, सो यंग वंस डेवलप इनसाइड एन एब्डोमिनल पाउच, दिस एब्डोमिनल पाउच इज नोन एज मार्सुपियल, ठीक है, रिलीज हो गए जैसे कंगारू के आगे का एक पहली बैग हो गई, वहां से टर्म आता है मार्सुपियल, एब्डोमिनल बैग, वहां पे वो डेवलप होगा एंड देन उसके बाद वो रिलीज। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, वेल डेवलप्ड बैग ब्रेन में डक हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करता है कॉर्पस कैलोसम, वो एब्सेंट दिखेगा आपको अभी मेटाथीरिया, तो प्रोटो में तो होगा ही होगा एब्सेंट। अब हम एक कैरेक्टर्स रिलेटेड बताए, मोनोफायोडेंट टीथ एक टाइप, सारे टीथ एक बार लाइफ में एक बार, डाइफायो दो बार, पॉलीफायो कई बार, तो मोनोफायो नहीं आता, मार्सुपीलिया एक ही ऑर्डर, यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको मार्सुपीलिया, एग्जाम्पल मैक्रोपस आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके आगे आप लिख लो ऑर्डर मार्सुपीलिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया।
डेल्फिन्स, ओपोसम, कंगारू लोकोमोशन, सेल्टेटोरियल्स। ये भी अपने टाइम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जंप लेता है ना, चलता नहीं है कंगारू, जंप लेता है। सेल्टेटोरियल लोकोमोशन को शो करने वाला एनिमल कंगारू। इंफ्रा क्लास सेकंड आ जाओ, यूथीरिया। पहला है मेटाथीरिया, दूसरा है ये है वो जो आपको चारों तरफ बेल्ट लग रहा है। आपने प्लैटिपस नहीं देखा होगा, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। कंगारू आप नहीं देख रहे, वो सब रिस्ट्रिक्टेड जगह है। बस आपको चारों तरफ देखना, ब्रॉडली आप डाल दो सबको यूथीरिया। ओके, तो वीवी पेरस है, प्लेसेंटल है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेसेंटल वीवी पेरस। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्कल, टीथ एंड लिम्फ। लिम्फ का मॉडिफिकेशन मैंने बताया, जैसे क्लिपर्स बन जाएंगे, फ्रंट वे रोल प्ले कर रहे हैं, टेट्रा मूवमेंट प्ले कर रहे हैं, बाइपेडल मूवमेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से आपको मॉडिफिकेशन दिखेगा। 16 ऑर्डर है, फटाफट ऑर्डर का नाम एंड एग्जाम्पल आपको याद रखें। इंसेक्टिवोर, ऐसे मेमर्स जो इंसेक्टिवोर से प्रिमिटिव। ओके बच्चे, इसमें आ जाता है आपका मोल, और जो पहले प्रिमिटिव क्रिया है ना वो साइज में छोटे थे, जिसमें कभी भी आपकी ब्लूवेल नहीं आ सकती, एलिफेंट नहीं आ सकता, आप नहीं आ सकते, बहुत छोटे आए थे। मोल सबसे पहले आए थे, चूहे जैसे दिखने वाले, समझ में आ रहा बेटा, हाँ, छोटे मैमल्स आए। इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट को ईट करने वाले प्रिमिटिव यूथेरियल, प्लेसेंटा था इनके पास। टाल्पा एरेनेसियस हेज हॉग, दिख रहा है आपको इसका कटीला पूरा हेज, अपन बोलते ना झाड़ी पंखाड़, वैसा ही दिख रहा है। अगर वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा तो आप इसको कैमोफ्लेजी की वजह से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। डर्मेप्टेरा ग्लाइडिंग मैमल्स, अब बस एक नाम एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चमगादड़ नहीं है, ध्यान रखना, दे आर लेम्यूर, ठीक है, लेम्यूर है, फ्लाइंग लैम। लैमर आर रिलेटेड टू उसके पहले गैलोपिथिकस, साइंटिफिक नेम हो जाएगा फ्लाइंग लैम। दिस स्ट्रक्चर इज फैंटासी। अब आपके एनसीईआरटी में इमेज है चमगादड़, ओके, चमगादड़ का जो ऐसे ओपन है वहां पे एक लेबलिंग कर लो फैंटासी, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत ना। मिला, समझ में आ रहा है, चमगादड़ इमेज में दिया हुआ है बैट, उसकी एक ऐसे फोल्ड जैसी ओपनिंग हो, एक पंख खुला हो, दैट इज फैंटेसियम। वो बर्ड नहीं है बेटा, ध्यान रखता है ना। तो फैंटेसियम एक्चुअली स्किन का फोल्ड है, मस्कुलर फोल्ड, जो ग्लाइडिंग में हेल्प है। थर्ड आ जाओ चिरोप्टेरा, बैट आ जाएगा इसमें, इससे मॉडिफाइड हुआ बैट आया। इकोलोकेशन, ठीक है, सोनार सिस्टम को यूज करता है, ये सब बैट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये जो 4.5.8.8 का सोनार सिस्टम को, मतलब खुद जो साउंड रिलीज कर रहा है वो किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, लॉट बहुत, अगर आप कभी किले वगैरह में गए हो तो आप इसको मूवमेंट करता है चमगादड़, बहुत तेज आता है, आपके पास भी आ सकता है लेकिन वो आपसे टकराएगा, क्या ये घाटे पे आपको ऊंचाई पे गया टकराने वाला चीज, बट जब आप किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस प्लेस होता है, बहुत सारे उठते, बहुत सारे आवाज वहां पर, ओके, और जैसे किसी बॉडी से रिलीज हो पाएगा तो बॉडी का लोकेशन बता, आपकी यहाँ तक भी आ सकते, और कोई पक्षी आएगा तो रास्ते दैट इज बिकॉज ऑफ इको लोकेशन, वो लोकेट कर लेते कितनी डिस्टेंस से आ रही है, साउंड कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस उसके पास आएगी। टेरोपस आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, शायद देखने में चेक कर, राइनोलोफस एंड वैम्पायर बैट। वैम्पायर की थ्योरी पता है, ब्लड ड्रिंकर, ब्लड ईटर, तो वैम्पायर ब्लड बैट जो अटैक कर, वैम्पायर एक्चुअली, हाँ, करियर करियर ट्रांसफर करा, जैसे कोरोना के टाइम में चली आई ना, फैट ने फैला हुआ है, तो उसका मतलब है कि फैट ने डिजीज
जब मैं यहाँ रत्नागिरी आई थी उस टाइम चल रहा था, मैंगो वगैरह लगे थे, कटे हुए मैंगो खाना ऐसा चल रहा था, वो भी बैड का इंफेक्शन एक तरीके से बोला जा रहा था कि बैड कैरी कर। एडेंटेटा टीथ एब्सेंट। अब ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है अभी के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आउट, ठीक है। अब मैमोस में आप कह रहे हो कि जॉड है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ के मॉडिफिकेशन पे आप बात कर रहे हो, टीथ होमो है, हेट्रो है, चिको है, क्या है वो बात कर रहे हो, और एकाएक आपने आगे बाकी कैरेक्टर सुनने हायर है लेकिन टीथ एब्सेंट हो, तो आप मैमोस से नहीं निकल। ओके, मैमोस में एक ऑर्डर बना दिया जिसमें दांत नहीं, सिंपल समझ में आया। टेसिपस एंड जैंट एंड ईटर, ये इंपॉर्टेंट। स्लॉथ पॉलीडेटा बड़ा ही बेकार सा होता है। स्केली एंटीटर, ये दो रिलेटेड आते हैं बेटा। एंटीटर में फिर से टाइप्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, मैथ द कॉलम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। स्केली एंटीटर एंड इसका स्केली होना अगेन रेप्टाइल ओरिजिन को शो करता है। ओके, बॉडी कवर्ड बाय हॉर्नी स्केल्स, टीथलेस, ये भी टीथलेस है लेकिन हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट। रोडेंसिया, अब आया आपका रैट। ओके बच्चों, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, नो कैनाइन, कैनाइन इज द टीथ टाइप्स में आ जाता है, ठीक है। कैनाइन बट चिजल लाइक इंसीजर, इंसीजर है। रैटस, मस, माउस, मस्का भी बोलते हैं। एंड कैविया, यूनिया पिक भी इसमें आ रहा है। एंड स्क्वेरल, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन, डाइपोडोमिस, कंगारू रैट। अब ये देखो तुम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इवोल्यूशन चैप्टर है। जब आप कंपैरेटिव पढ़ते हो तो आप रैट का और कंगारू रैट का कंपैरेटिव करो। ये ऑस्ट्रेलिया वाला रैट हो गया, समझे ना, भी हो गया, वहां को इंटरैक्ट नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्टेड है, इवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे साइड में अफ्रीकन साइड में रह गए थे वो सब डेवलप हो गए, तो वहां पे रैट का फॉर्मेशन हो गया, वहां कंगारू रैट रह गए। तो कंपैरेटिव अपन स्टडी करते हैं। डेजर्ट रोडेंट नेवर ड्रिंक वाटर, वहां का फेवरेट क्वेश्चन है, वाटर को ड्रिंक नहीं करते तो इनका सर्वाइवल कैसे चलता है, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वहां पे भी पढ़ोगे आप। लेगोमॉर्फा रैबिट आता है इसमें, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है मैमल्स का। जब तक इनकी स्टडी ह्यूमन से नहीं करते तो अपन बैट और रैबिट। हर्बी वो नो कैनाइन, देखो टीथ के बेसिस पे है क्लासेस, हर्बी वो मतलब कोई भी रैबिट उसमें आप कॉर्नी वो जनरल नहीं बोल सकते, ठीक है। हेयर एंड रैबिट, एक तो हम और नोट कर लेना, कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस एक कलेक्टिवली हम एनिमल जो काउ डंग पे ग्रो कर, मतलब आप बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की कॉप्रोफिलस वर्ड यूज कर चुके, लेकिन रैबिट के केस में अपना ही एक्सक्रीटिव मटेरियल को एज अ फूड यूज कर। ओके बच्चा, तो दे कैन ईट ओन फिश। कॉर्निवोरा, अब सारे के सारे जो अपना यहाँ डाल दो सकते हैं, कॉर्निवोरा हो जाए, लायन, टाइगर, चीता, बियर, कैट फैमिली, डॉग, सील, सी लायन, वॉलरस, ठीक है। तो मैराइन टेरेस्ट्रियल, ऑल आर प्रीडेटर, नाम नहीं है उनका, कॉर्निवोरा। ओके, अब प्रीडेटर हर्बीवोर कैसे होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। हर्बीवोर सर ऑल्सो, लेकिन कॉर्निवोरा है तो वो पूरे के पूरे प्रीडेटर, क्योंकि हर्बीवोर कैसे होते हैं, जैसे हमने कुछ खाया, सीड खा ली, हमने कोई भी ग्रेन वगैरह खा रहे तो हम उस प्लांट की लाइफ को खत्म कर दें, उसकी अगली जनरेशन अब नहीं आ सकती क्योंकि उसी सीड के अंदर एम्ब्रियो था, उस पर अटैक हो गया। तो हर्बीवोर किस केस में प्रीडेटर होते हैं, ये भी क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। सिटेशिया एक्वेटिक मैमल, ब्रीथ बाय लंग्स, सिटेशियस जो देखने में आपको थोड़ा सा इसमें तो आपको है वेलम नेप्टेरा मस्क,
खुला साहिर है। ब्लू वेल ब्लबर, जहां से लीवर ऑयल प्रोड्यूस कर आइसोलेट करके और कैप्सूल वगैरह बनता है, तरीके का इंसुलेटर प्रोटेक्टिव लेयर। सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट टू हेल्प हीट कंजर्वेशन, पोरली मॉडिफाइड इनटू पैडल लाइक क्लिपर, इनके मॉडिफिकेशन का। नो एक्सटर्नल ईयर, वेल में आपको ईयर नहीं दिखा, कोई ईयर कितना नहीं दिखा। एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होगा। नहीं होगा। डेल्फिमस कॉमन डॉल्फिन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, बैलोनोप्टेरा मस्कुलस भी एग्जाम्पल है, बैलोनोग्लॉसिस और बैलोनोप्टेरा लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। इसका एक इमेज मतलब आप ऐसे टॉप 10 आपको उसके साइज का कंपैरिजन तो बहुत सारा है। जैसे मैं साइज वगैरह दिखाती हूँ, इनके साइज से आप आइडिया लेते, जैसे आप जिनमें स्पॉन वगैरह दिखाते हैं, आप उसके जॉ के बराबर दिखे गए, ठीक है। बड़ी बड़ी बसेस आप लोगे तो 3-4 बसेस आ जाए। और एक लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, लार्जेस्ट एनिमल ऑन टेरेस्ट्रियल, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा एलिफेंट, एंड पूरे अर्थ पे पूछ रहा है तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सब मिला के ब्लू वेल। साइरेनिया राइटेनिया सी का ये एग्जाम्पल भी आपको इकोलॉजी में मेंशन है, ओके। ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है कि मतलब हंटिंग से एक्सप्रिंट हो गए, समझ लो आपको कोई चीज इतना पसंद आ रही है, इतनी पसंद आ रही है कि घर में रखिए आपके पापा के खत्म कर, और फिर आप उसको ढूंढ रहे हो, मम्मी पापा ने डांट दिया आपको, आएगा ही, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ सी काउ के साथ, हंटिंग दोड़ो और सी काउ। आपको इकोलॉजी में एग्जाम्पल पढ़ना, ये वर्ड है जो हंटिंग की वजह से मतलब वैसे भी कई सारे एनिमल्स के एक्सटिंक्शन का रीजन है, लेकिन इनको खाने के लिए एक्सटिंक्शन इनकी वैरायटी खत्म हो। तो हर्बीवोर एक्वेटिक एनिमल है, काउ से कंफ्यूज नहीं होना है, सी से ध्यान रखना एक्वेटिक। राइटेनिया मैनेटस इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रेट, सर्वाइकल एक्सेप्शन में मैंने मैनेटस मैनेटस एंड 10 हो गया। टर्बुली डेंटेटा, ठीक है, केप एंड रिटर, ट्यूबुलर माउथ, नो इंसिजर, नो कैनाइन, ट्यूबुलर टाइप का माउथ है, इसीलिए इनको टर्बुली वर्ड किया गया, टर्बुलर, ये मेरा फेवरेट हाथ साथ, ठीक है। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड कहाँ पे आ चुका है, प्रोबोसिस पार्ट कहाँ पे आ चुका है, टर्म एमिकॉर्ड, ठीक है। प्रोबोसिस वहां पे हमने सूंड से बताया भी था, रिलेट किया था। तो प्रोबोसिया ऑर्डर है लार्जेस्ट लैंड एनिमल, है ना, टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको खाने के दांत, दिखाने के दांत, जो आपने कहावत सुन है, ठीक है, और ये बहुत कीमती है, इसके लिए इनकी हंटिंग होती है। बिना डिलीट किए ये लिख लेना, टू अपर इंसिजर टस्क बोलते हैं, नोज एंड अपर लिप मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस। तो सूंड इसलिए मैंने बताया था, इनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है बाकी मैमल्स के कंपैरिजन में, सूंड एकदम एंड सूंड के टर्मिनल एंड पे क्या है, नेजल पोर है, नॉस्ट्रिल्स। अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट ये कंपैरिजन आपको फिर से इवोल्यूशन में पढ़ना, अभी बस आप नाम लिखे। आइवरी जो हम लोग इनसे प्रोडक्ट लेते हैं दांतों से, उसको आइवरी कॉस्टली होता है, ऑब्टेन फ्रॉम टस्क ऑफ एलिफेंट, और इसके लिए इनकी हंटिंग होती है। थायरेक्वाइडिया थायरेक्स पैरिसोडैक्टिला हॉर्स वगैरह आएंगे इसमें भी, राइनोसेरस हॉर्स गधा जेब्रा सब में आ जाए। हूफ्ड एनिमल, हूफ मैंने बताया लिंब के अकॉर्डिंग, तो लिंब में ज्वाइंट है, पेंटाडेक्टाइल ज्वाइंट हो गए, फ्यूज हो गए, तो आप क्या बोलते हो, और क्या बोलते हो,
बोलते इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, हूफ्ड एनिमल, घोड़े की नाल जो ऑब्टेन करते हैं ना उसके पैर जो लगा रहता है, लोहा लगा देते हैं, वो टप टप की आवाज करता है एंड देन उसको सुपर स्टिशियस एक यूज करते हैं कि घोड़े के नाल की अंगूठी वगैरह पहनने से आपकी लाइफ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है। तो हॉर्स राइनोसेरस इक्कस तो दिया हुआ है, ध्यान रखो राइनोसेरस भी दिया हुआ है, जेब्रा, एशियाटिक वाइल्ड एस इक्कस हेमियोनस, इंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात की इंडेंजर्ड, ये इकोलॉजी का पॉइंट है अभी। एरिटोडैक्टिला, इसमें आएगा आपका जिराफ बेटा, ये ध्यान रखो जिराफ, ठीक है। हुफ्ट होगा, इवन टोड, टोड प्रेजेंट होगा, फोर चैम्बर्ड स्टमक, कॉम्प्लेक्स स्टमक हो, कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स स्टमक। इसी के लिए बोवाइन वर्ड यूज कर रहे हैं और ये बोवाइन वर्ड कैटल्स के लिए यूज, हिप्पोपोटामस एंड हिप्पोकैम्पस, आप ध्यान रखो मेरे को छोटे से बड़ा कर, व्हाट इज हिप्पोपोटामस, व्हाट इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है, जो आपने पढ़ा था वहां पे मोलस्क का, फिश फिश फाइटर में पढ़ा वो था हिप्पोकैम्पस एंड ये है हिप्पोपोटामस। हॉर्स ऑफ द रिवर कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट, ये चला गया अलग, ये है कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। प्राइमेट खत्म करते हैं इसको, अब आगे फाइनल एनिमल की हम पढ़ते 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 अपने तक पहुंच गए और एग्जांपल में अपना नाम नहीं लिखा है, आप ऐड कर लो। मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल अपोजिट थंब, दिस इज, तो ये 90 डिग्री पे थंब प्रेजेंट होता है, ये प्राइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पाइडर मैन की, अब आपके बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जांपल, ठीक है, प्री हिलसाइड टेल, टेल पांचवें पैर की तरह वर्क कर रहा है या हाथ की तरह वर्क, वो झूल रहा है पेड़ से लेकिन टेल से बंधे हुए, ऐसी टेल जो होल्डिंग में कैपेसिटी में हेल्प करे, तो वो कैसा हो गया, पांचवा अपेंडेज हो, सिर्फ कैट बिल्ली का जैसे टेल देख रहा है वो तो नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स में तो प्री हेंसाइल टेल मंकी में आपको दिख जाता है, रेसस मंकी, जब आप बोलते हो ना आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा है मतलब, आपका जो ब्लड ग्रुप आप बताते हो और जो ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हो वो आता है आरएच फैक्टर्स, है ना बेटा, और आरएच फैक्टर की ये जो आरएच है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम रेशस, उसको स्टडी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था रेशस मंकी, दैट्स व्हाई उसको नाम दिया जाता है आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव। तो अगर ए पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है तो ए इज द आरबीसी पे जो फैक्टर है ए को डिसाइड कर रहे हैं और दूसरा फैक्टर आरएच पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर है या नहीं आरबीसी को भी होता है, वो प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट हमको सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम ध्यान रखना रेशस मंकी। मकाका मंकी ये दिया भी होगा, गिबन, बैबून, लांगू, लंगूर, चिंपैंजी, ये सारे नाम आपको बेटा इवोल्यूशन में ह्यूमन तक पहुंचने की जो इवोल्यूशन है वहां तक आपको करना है एंड आप भी यहीं पे आते हो, तो होमो सैपियंस सैपियंस, ये खत्म हो गया आपका मैमल्स। अब आप कंपैरेटिव चार्ट आई होप कि खत्म कर लिए होगे, नहीं किए हो तो आज का टाइम उसके उसको कंप्लीट करो,